co-powered by Shoulders Path Labs. तो डिस्कवरी मैगजीन है हमारे यहाँ की, इसी का अवार्ड फंक्शन है। एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम प्लीज। हेलो नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख लेंगे। तो आज हम जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे दोनों भाई जा रहे हैं साथ में, एक इवेंट है डिस्कवरी मैगजीन का, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर कई लोग आने भी वाले हैं, तो देखते हैं पहले तो वहाँ कौन कौन आएंगे। ऑल्दो हम लोग लेट है काफी, हमेशा की तरह कहीं भी जाना और हम लेट ना हो ऐसा हुआ है, तो आज हम अभी भी लेट हैं, बट कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुंचे। रास्ते में इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पहले सबसे पहले पहुंचते हैं फिर आपको बाकी की चीजें दिखाते हैं। अभी रास्ता जल्द से जल्द, क्योंकि घुमाने वाला रास्ता बहुत है इसलिए कन्फ्यूजन है, पहले पहुंच जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये है वो होटल जहाँ हमें आना था, हम यहाँ पहुँच तो चुके हैं, लेकिन बस वही है कि यहाँ अभी अवार्ड शो स्टार्ट हो चुका था, हम लोग लेट वैसे ही पहुँचे। तो ये वो होटल है, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अंदर क्या क्या हो रहा होगा, मे बी शायद साउंड की वजह से मैं ज्यादा व्लॉग बना भी ना पाऊँ, तो ये हो सकता है भाई चांस, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ करिएगा। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज, लेट्स हैव दिस हिस्टोरिक ओकेजन, द मैगजीन्स ऑगस्ट एडिशन कवर एडिशन बाय आवर चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। तालियां थोड़ी जोरदार हो जाए प्लीज, वी हैव अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लेडीज एंड जेंटलमैन, आर एम मनोज, अनफॉरगेटेबल म्यूजिक एक्सपीरियंस इन हिज एब्सेंस, आई थिंक अ बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स की वे मतलब यू नो और देहरादून उत्तराखंड हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड इस मंच के थ्रू टू ऑल दोस पीपल हु हैव कम हियर फॉर दिस अवार्ड शो मीट्स अ लॉट, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं उत्तराखंड को बाहर तक पहुंचाने के लिए, एंड आई एम रियली ग्लैड कि यू नो उत्तराखंड में बहुत सारे टैलेंट है रिलेट टू ग्राफिटी, रिलेट टू स्टंट्स, रिलेट टू रैपर्स एंड एवरीवन, एवरीवन इज डूइंग देयर पार्ट। अभी अवार्ड शो चल ही रहा है, मैं इतना बोर हो जाता हूँ इन अवार्ड शोज में कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं बहुत रेयरली आता हूँ। अभी आज दिखाने का था कि मेरे ब्लॉग वैसे ही कम आते, तो मैंने सोचा कि ना आपको ये सब भी दिखा दिया जाए। हाँ जी, तो गाइस देखो हम लोग इस अवार्ड फंक्शन में देख सकते हो, डिस्कवरी मैगजीन है हमारे यहाँ की, इसी का अवार्ड फंक्शन है और इसी में आए थे हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा पॉलिटिकल था, थोड़ा यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल था, और यहाँ पर पता चला कि यूके भाई आने वाले थे तो, और हाँ मिलने का अभी प्लान हो सकता है, बट ये है कि रश इतना, मतलब अनुराग भाई से सब लोग इतना मिलना चाहते हैं कि घुसना, वो धक्का मुक्की करना अपने को पसंद नहीं है, तो इस वजह से अभी देखते हैं मिल पाए तो ठीक है। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि यूके भाई आने वाले हैं, आने वाले होते मतलब मुझे पहले से पता होता तो मैं उस हिसाब से बोल के रखता कि भाई थोड़ा टाइम उनको देना, होटल में अंदर मिल लेंगे आराम से, बट अचानक से आए तो इस वजह से कुछ अभी प्लान नहीं था। देखते हैं अगर मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं फिर आके मिल लेंगे, प्लान तो बनते रहते हैं। और इन सब अवार्ड फंक्शन में ना मैं बोर हो जाता हूँ, बैठे 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 बोर हो जाओ और कुछ करने को नहीं, सब लोग बैठे हैं भाई, अवार्ड्स वाले बंदे देखो वहाँ पर हैं, अब आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ, सपोर्ट करो तो क्या पता है अगली साल हमारा भी अवार्ड वहाँ पर हो। सोच सोच के गेम नहीं काटते, दो दिन बाद क्या होना है किसी को नहीं पता। एवरीवन एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम प्लीज। You can at least put your hands up and clap for a happy birthday for the birthday boy. Do din baad birthday hai, that's okay. But
तो गाइस देखो ये फाइनली इवेंट देखो लगभग कंप्लीट हो गया है और मैं सीरियसली मेरे को ऐसे इवेंट में बहुत बोरिंग सा लगता है लेकिन इसने कहा तो मैं आ गया। और दूसरा वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि यूके भाई यहाँ पर आ रखे थे और ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि हम मिलने वाले हैं या वो आने वाले हैं। ऐसा होता तो हम प्री प्लान करते उनसे बोलते थोड़ा ब्लॉग ब्लॉग में कुछ इन्जॉय करें लेकिन नहीं हो पाया और वो बहुत रश में थे, उनको हर कोई घेर ही रहा था भाई यूके भाई को, तो इस वजह से नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट टाइम जल्दी कुछ प्लान करते हैं और उनसे मिलेंगे और आप लोगों को भी मिलवाएंगे। बट हाँ, ये जो डिस्कवरी मैगजीन है ये उत्तराखंड के लोगों के लिए ही बना है जो यहाँ के अच्छे जो ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल चाहे वो बिजनेस के तौर पर। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मे बी शायद हम लोग भी यहाँ पर आए, मेहनत मैं भी करूँगा, मेहनत आप भी करना, देखते हैं कितना क्या हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, फिर आगे आगे। भाई अनुराग भैया का भाई का केक है और सुप्रा का बताओ बर्थडे आज भी नहीं है और आज बर्थडे बना दिया इनका। भाई हमारी गाड़ी आ गई है अभी पार्किंग से, जल्दी दे दे भाई रात हो रही है। हमारा लगभग इवेंट खत्म हो गया जैसा भी बना आड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाई ब्लॉग, लेकिन इंटरेस्टिंग बना होगा, मजा आया होगा मैं जानता हूँ। हाँ, UK07 भाई देखो रैंडमली आया, हमें पता नहीं था, लेकिन अब कोशिश करेंगे जल्दी उनसे मुलाकात करें और आप लोगों को भी मिलवाएं और नए तरीके से अपने आप को जल्दी से जल्दी अच्छे से ग्रो करें ताकि हम भी अगली साल बीइंग इंडियन ब्लॉगर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डिस्कवर मैगजीन में। हो सकता है ऐसे ऐसे अवार्ड्स अब हमें भी लेने चाहिए भाई। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई, सपोर्ट दिखाओ क्योंकि धीरे 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 हम लोग अच्छे से ग्रो करेंगे। और हाँ, मैं जब थोड़ा थोड़ा ग्रो करूंगा तो कुछ चीजें ऐसी भी करूंगा जो हमारी ऑडियंस के लिए भी काम आ सकती हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स और आइडियाज हैं बट उसके लिए मुझे उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके वो कैसे होगा वो आप लोगों के सपोर्ट से होगा। तो जल्द से जल्द बस सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो और फैला दो। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। बाकी अमन को वायरल करो। अच्छा ठीक है, हाँ कर देना, बाकी तब तक के लिए जय। लो, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखो।